कि जो भी लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि वो भी अंदर आ जाए। स्कूल का उद्घाटन आलम एकेडमी आज हो चुका है, खुशी की बात है। कि थोड़ी सी तालीम के साथ इनकी स्वागत किया जाए क्योंकि हमारे मेहमान आज शीशे के पावन धरती में आलम एकेडमी उद्घाटन समारोह में उपस्थित मंच पर विराजमान लखिया पंचायत के मुखिया आदरणीय सुज्ञान उराव जी, मंच पर आसीन हमारे सदर साहब सलमान जी, इमाम जी, मास्टर हैदर उदय देवघरिया जी, राजा जी, प्रवेश जी और सभी शिष्य के ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे अभिभावकगण, हमारे घर के भविष्य, हमारे बच्चे और इस विद्यालय का संचालन कर रहे हैं जो मेरा बेटा लोग है बबलू छोटू और समाज सेवी लोग हैं उधर भी, सभी समाज सेवी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबों को झारखंडी जोहार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आज मैं धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आज इन बच्चों के द्वारा अपने पिताजी को स्मरण करते हुए इन्होंने एक विद्यालय खोलने का काम किया है। सबसे पहले चूंकि आलम भाई भी समाज सेवी थे, वो प्रमुख थे, तो उसको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। चूंकि वो समाज के प्रति हमेशा से सजग थे, लोगों का सेवा करते थे और जब झारखंड में पहला चुनाव हुआ उस समय वो प्रमुख का दायित्व में उन्होंने आसीन हुए थे और उसी बीच वो प्रमुख के कार्यकाल में ही उनका देहांत हुआ था। तो मैं यही कहना चाहूंगी इस स्कूल को जो चलाएंगे वो हमारे बच्चे ही हैं। चूंकि स्कूल खोले हैं तो बहुत ही सोच समझ के खोले हैं। आज शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन पशु की तरह, जो लोग नहीं पढ़ता है उसका जीवन बिल्कुल ना समझ होते हैं, उसको समझाने से भी नहीं समझते हैं। और आज शिक्षा बहुत ही जरूरी है कि मैं खुद एक जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद हम वहां से पढ़ाई कर रहे थे, एमए का एडमिशन किए, ये जगह आसिक है, आसिक के साथ जाके तो पढ़ाई का ना कोई उम्र होता है ना कोई सीमा होता है, आदमी मरते दम तक शिक्षा प्राप्त करता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, हम फिर से बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और सब बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबों को झारखंडी जोहार करती हूँ, धन्यवाद। हमारे शिष्य थाना प्रभारी आदित्य कुमार चौधरी जी से निवेदन करते हैं कि शिक्षा के महत्व के विषय में दो शब्द रखें। सभी को जोहार, मैं आदित्य कुमार चौधरी आपके सीसी थाना में थाना प्रभारी के पद पर हूँ और शिक्षा के बारे में मैडम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, पहले भी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मैं सिर्फ ज़्यादा समय ना लगते हुए इतना कहूँगा, मैं यहाँ हूँ, यहाँ बैठा हूँ एक किसी सरकारी पद पे हूँ शिक्षा के बदौलत में और शिक्षा के महत्व के बारे में मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ, ऐसे गांव से आता हूँ कि वहाँ पे मुश्किल से यहाँ की उंगलियों पर गिने चुने लोग ग्रेजुएट हैं और हम लोग का बैच
हम लोग से पहले कुछ लोग और हम लोग के बाद, मैंने 3-4 साल का हम लोग का जो बैच निकला, हम लोगों ने ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया और हम लोगों ने छोटी मोटी नौकरियां पाई, सरकारी नौकरियां पाई, सब शिक्षा के बदौलत। उसका असर ये हुआ कि आज हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे नीचे के बैच के, हमारे छोटे भाई बहन आज हम लोग को देखा देखी आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे मुकाम पर जा रहे हैं, वो सब शिक्षा की बदौलत है। और मैं हमेशा कहूँगा आप लोग भी गांठ बांध लें, सारे दुखों की, सारे तकलीफों की, सारी समस्याओं का निदान शिक्षा में ही है। आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए और एक बेहतर देश, आपका बेहतर गांव या आपका बेहतर जिला या बेहतर प्रदेश आप शिक्षा के माध्यम से ही बना सकते हैं। धन्यवाद। जा रहे सर, व्यवहार की जरूरत है, बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करें, बच्चे के गार्जियन के साथ अच्छा व्यवहार करें। और शिक्षक ऐसा है जो कि बच्चे का भविष्य को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। वही मकसद के साथ ये विद्यालय को चलाएंगे, बच्चे को शिक्षा देंगे, ये नहीं कि ये बिजनेस तौर पे नहीं, अच्छी शिक्षा का मकसद से विद्यालय को चलाएं। हमारे लकिया पंचायत की मुखिया, तमाम मेहमान खुसूसी, इस स्कूल ये अंजुमन का जो सोच था, अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन का जो सोच है कि बच्चों के बीच अच्छी तालीम का इंतजाम करना, मैं इस स्कूल के प्रबंधकों का शुक्रिया अदा करता हूं कि अंजुमन का जो सोच है उस सोच को आप कार्यान्वित कर रहे हैं, आप इसको आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद कर रहे हैं। सबसे पहले सभी गेस्ट को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं, एक्चुअली ये स्कूल का मेन मोटिव है नॉलेज। बहुत बार होता ही है कि पढ़ने के बाद भी आदमी कुछ नहीं कर पाता है, तो मतलब नॉलेज होने के बाद भी कंसेप्ट नहीं रहता, तो हम लोग नॉलेज और कंसेप्ट दोनों ही क्लियर करेंगे। ज़्यादा कुछ तो बोलना नहीं चाहूँगा, आप लोग के सामने रहूँगा, आप लोग देख सकते हैं, एक बार ट्राई करके हमारे साथ फिर जुड़े रहे, बस इतने। धन्यवाद। कोवर्कर के साथ में ये आलम अकेडमी को चलाने के लिए, तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सा स्कूल खुले हुए हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि और एक स्कूल की स्थापना आज किए हम लोग, और हम लोग का मकसद है कि ये जो शिक्षा का स्तर है हम लोग थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि हर सब्जेक्ट का के लिए कुछ समय रहता है, जैसे 45 मिनट्स का समय रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस 45 मिनट्स में 25 मिनट्स हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों को, और जो 20 मिनट्स बचता है उसमें हम लोग रिव्यू करेंगे। तो ऐसा होगा कि जो बच्चे क्लास में कैच नहीं कर पा रहे हैं वही रिव्यू के समय में वो कर पाएंगे, और अगर उससे भी बचता है तो उसके लिए हम लोग 1-to-1 टीचर लगा करके उनका जो प्रॉब्लम है, कहाँ पर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, कैसे उनको आगे किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर स्कूल में भी पढ़ाई होता है, साथ में हम लोग यहाँ पर ट्यूशन में भी पढ़ेंगे, तो ऐसा पढ़ाई बहुत सारा चीज बच्चों के ऊपर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थोपा जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें कुछ एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। तो हमारा एक सब्जेक्ट है गेम, जिसमें बच्चे आएंगे यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, में उनके साथ में एक टीचर भी रहेगा जो कि उनको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों का ही नॉलेज देगा। और यहाँ पर हमारे पढ़ाने का जो है तरीका, विजुअली भी हम लोग पढ़ाएंगे, जैसे स्क्रीन में दिखाया जाएगा कि ये चीज ऐसे ऐसे होता है। और हमारे जो कंप्यूटर लैब है यहाँ पर, जहाँ पर ना कि सिर्फ हम लोग कंप्यूटर सिखाएंगे, साथ साथ इसका जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। तो जो आपका जो बच्चे लोग होंगे, ये लोग
हम लोग आशा करते हैं कि यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो वो लोग अच्छे और होनहार बनेंगे ही। और जहाँ तक ये चीज है, हम लोग शारीरिक और मानसिक दोनों के विकास में हम लोग कार्य करेंगे। तो आप लोगों से आशा है कि आलम एकेडमी में आप लोग भारी संख्या में आइए और हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू। सर देखा कि स्कूल के बारे में काफी विस्तार से बहुत बढ़िया चीज बताए। एक्चुअल में आलम एकेडमी खोलने का मोटिव और स्कूलों से थोड़ा हट के इसमें किया है, जो डायरेक्टर है आप शाहरुख अंसारी, एक कंपटीशन की भी तैयारी, जैसे और स्कूल में अभी कंपटीशन का या फिर स्क्रीनिंग कोचिंग स्टेप से नहीं हो रहा, ये बहुत तरह का एडिशनल जो अभी चल रहे हैं एजुकेशन में, वो स्टेप से नया कुछ लाएंगे स्कूल में। और कुछ टीचर के लिस्ट है, हम मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद साबिर एक टीचर है, एडम मारा, उदय सर, गुलाम सरवर, अनवरुल हक, मिस नेहा, मिस मुस्कान। मैं चाहूँगा उदय सर को स्टेज में आए और दो चार सब कुछ बताएं अपने। आदरणीय किरण वाड़ा जी, मुखिया जी, इमाम साहब और उपस्थित गार्जियन एवं प्यारे बच्चों, मैं इस विद्यालय में, इस स्कूल में तालीम देने के लिए रखा गया हूँ, क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूँ, कुछ समय यहाँ पर भी देना चाहता हूँ। अब देखिए, तालीम का नज़रिया बदल गया है और नए ज़माने के अनुसार हमें तालीम देना पड़ता है। इस सब बातों को ध्यान में रख के हमें तालीम देने का काम सौंपा गया है। आप लोग इसको ध्यान देंगे और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों को दाखिला देंगे। हम लोग एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले हैं, इसका मेन मोटिव, हर चीज़ का मोटिव और ऑब्जेक्टिव होता है और गोल होता है, तो इसका भी ये तीन गोल है। एजुकेशन अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्यों लाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना क्यों चाहिए, पढ़ा लिखा हुआ और बिना पढ़ा लिखा हुआ दोनों में अंतर क्या होता है, तो दोनों में बहुत ही अंतर होता है। दोनों सेम ही काम करेगा लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, उसको सोचने समझने डिसीजन लेने का पावर थोड़ा अलग रहता है। तो एजुकेशन उसको नहीं कहते जो स्कूल में जाकर सिर्फ पढ़ना, उसको एजुकेशन नहीं कहते। ऐसा एजुकेशन जिसमें आदमी का मेंटल, फिजिकल, मोरल, सोसाइटल सब चीज़ का वेल डेवलपमेंट हो, उसको एजुकेशन कहते हैं। बहुत कोई पढ़ता है लेकिन पढ़ने का तरीका नहीं पता, उसको पढ़ने का तरीका नहीं पता है। या फिर बहुत कोई पढ़ता है लेकिन क्या पढ़ रहा, पढ़ना और समझना दोनों में बहुत फर्क होता है। एक आदमी होता है उसको पढ़ता है और उसको सिर्फ रटता है और उसको याद करता है, लेकिन एक होता है जो उसको पढ़ के समझता है। तो जो समझता है वो असली पढ़ाई होता है। तो हम लोग भी पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से हम लोग भी पढ़े हैं, लेकिन किस तरीका से आदमी को पढ़ना है और किस तरह से उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइफ में कैसे होता है, इसको हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो हम लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं या पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन हम लोग उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उसका लाइफ में क्या एप्लीकेशन होता है या किस तरीके से पढ़ते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ने का तरीका को जान गए तो आपको किसी भी चीज़ का कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक तरीका रहता है जिसको आदमी सीख ले तो फिर किसी मास्टर या किसी टेक्नीशियन का ज़रूरत नहीं पड़ता है पढ़ाई में। तो वही तरीका किस तरह पढ़ा जाए, हम लोग लिखे हैं मॉडर्न वे ऑफ टेक्निक से पढ़ेंगे। तो मॉडर्न वे ऑफ टेक्निक से पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि आप कंप्यूटर से पढ़ाएं, लेकिन किस तरह पढ़ा जाता है, कंप्यूटर मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह आगे बढ़ा जाता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग स्कूल में अपने स्कूल में सिखाएंगे। यानी जो पढ़ाई जो होता है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है, या आप देखते हैं कि टेंथ में इतना मोटा बुक होता है लेकिन एलेवंथ में जो टेंथ का पूरा बुक रहता है, एलेवंथ में एक चैप्टर के बराबर होता है, तो क्या होता है, स्टूडेंट का स्ट्रेस बढ़ जाता है, पढ़ने नहीं सकता है। इसका मेजर प्रॉब्लम यह होता है कि उसको पढ़ाया जो गया है, एजुकेशन सिस्टम जो दिया गया है, उसका माइंड में रखने वाला तरीका दिया गया है। इसलिए बहुत सारा एलेवंथ स्टूडेंट को आप देखिएगा, वो लोग मैथ साइंस ले लेता है लेकिन उसको
कोर्स सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। उसका पीछे रीजन क्या है? उसका एजुकेशन सिस्टम। हम लोग जो पढ़ाने वाला है थ्रू माइंड मैप चैट्स पढ़ाएंगे, जिसमें आपका बच्चा को जो भी पढ़ाएंगे वो चीज एकदम उसका माइंड में ग्रास्पिंग कर करके बैठ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग सोचे हैं थ्रू पीपीटी मॉडल पढ़ाने का। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा पीपीटी मॉडल क्या होता है, लेकिन हम लोग बहुत तरह का सोचे हैं। तो आप आलम एकेडमी से जुड़िए और हम लोग जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी हम लोग चीज़ दे रहे हैं, उसको एक बार सीरियसली सोचिए, समझिए और हम लोग साथ जुड़िए। इंशाल्लाह आप सभी को फ़ायदा ही होगा और बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से पढ़ाएंगे, ताकि जब आपका बच्चा कंपटीशन में जाए तो अपने आप को इन्फीरियर ना सोचे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी के सभी आलम एकेडमी से जुड़े और हम लोग का एक सर्विस देने का मौका दे। इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक होगा। जो बातें मैंने बाहर बताई, आलम एकेडमी का ये एमडी है, इन्हीं से जानते हैं कि स्कूल चलाने का जो है, स्कूल खोलने का इनका उद्देश्य क्या है। हेलो सर, आपका जो है स्कूल खोलने का उद्देश्य क्या है? थोड़ा अपना रिवर्स देखिए, एजुकेशन आज के ज़माने में एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है, तो बस हम बिजनेस का चेन तोड़ के वापस से एजुकेशन नहीं को लाना चाहिए, बस यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। मतलब अब एजुकेशन को भी भेजा जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अब वापस से मतलब वही बिजनेस पे इसको इनरोल किया जाए, बस एजुकेशन में एजुकेशन और कुछ। आज की जो जनरेशन का जो पेरेंट्स है, खासकर उन पेरेंट्स को क्या कहिएगा जिनका जो है ऑनलाइन तो जो भी स्टूडेंट हैं पढ़ाई के बगैर फीस के वास्ते या दूर जाने के वास्ते जो है पढ़ाई नहीं कर रहा, उनके लिए क्या मैसेज दीजिएगा? अगर किसी को मतलब दिक्कत है, मतलब वैसा बैकग्राउंड नहीं है, तो हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे। अगर किसी को जाने आने का प्रॉब्लम है तो उन पर हम उनका ट्रैवल का तरीका निकालेंगे, ठीक है। और किसी को बहुत ज़्यादा मीन्स पैसों का दिक्कत है, अगर उसका बच्चा पढ़ने में तेज है, तो उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी होती है। मतलब सुविधाएँ हम सब दे रहे हैं, बस बच्चा पढ़े, हम बच्चों का लेवल अप करना चाहते हैं। क्लास जी हमारे क्लास प्री से मीन्स नर्सरी से क्लास टेन तक पूरा, अभी ट्यूशन सबके आ रहे हैं, नेक्स्ट सेशन से क्लासेस सबके लिए स्कूल। एडमिशन चार्ज क्या रहेगा? एडमिशन अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस हमारी मंथली फी है 300 और 500, बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर दे रहे हैं, स्पोर्ट्स भी सिखा रहे हैं, इंग्लिश भी करा रहे हैं, मैथ और साइंस। जो बच्चा वो ठीक चलते, जो गार्जियन नहीं पढ़ाते, उन गार्जियन क्या बच्चा आपका आएगा पढ़ेगा, बच्चा को एक बात भी नहीं बोला जाएगा कि आपका फीस जमा है या नहीं जमा। फीस के बारे में हम और गार्जियन जाए, मतलब बच्चों को यहाँ पढ़ने हैं वो बस पढ़ेगा, भले ही हम आपको कॉल कर देंगे सर आपका फीस जमा नहीं है, पर बच्चा जो यहाँ पढ़ रहा है उसको पता भी नहीं रहेगा कि उसका फीस कितना दिन से जमा है क्या नहीं है। मतलब जो होता है ना, आदमी लोग सेम फील करता है कि 10 आदमी के सामने टीचर लोग जाके बोल देते हैं तुम्हारा फीस नहीं था, मान के लेते हैं, वो थ्योरी अपने पास में। दोस्तों आप जो है इनके जवानी सुने शाहरुख जी का, ये जो है शिक्षा पर गलत दिशा में लेके जाना चाहते हैं, शिक्षा को जो बिजनेस बना दिया गया है उस पर भी जो है आपके बदलाव लाना चाहते हैं। सर अच्छा, कितना बच्चा एक साथ सर? यहाँ 300 स्टूडेंट का अभी कैपेसिटी, अभी हाँ, जिसको हम लोग आगे जाके बढ़ाएंगे। सर और मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि अभी तक जितना भी फिलेस लेकर जितना क्लास होता है स्कूल है, और इसी में बहुत सारा स्कूल प्राइवेट क्लास दे रहे हैं और सभी लोग जो है शिक्षा दे रहे हैं, पर बहुत सारा पेरेंट्स जो है एक एक अपने बच्चे को पढ़ाना छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए आपका छोटा सा मैसेज। देखिए पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, अगर आपको पढ़ाई नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ प्लेस देखिए कि पढ़ाई वो कहाँ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट ही स्कूल पढ़ाते हैं, हमने बोले कि मेरे ही पास है, बहुत सारा सरकारी जगह भी है जहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, तो पढ़ाई बच्चों को ना छुड़वाएं। एक पढ़ा लिखा हुआ आदमी का बिजनेस करने का तरीका और एक अनपढ़ आदमी का बिजनेस करने का तरीका बहुत अलग होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अनपढ़ लोग मतलब सक्सेसफुल नहीं होते, पर तरीका बहुत अलग होता है, दूसरे एंगल से वो लोग हैंडल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब पढ़ लिख के नौकरी ही करें। सर अभी शुरुआत किस में टाइम क्या? अभी हमारा स्कूलिंग नहीं है, अभी हम ट्यूशन चला रहे हैं, नेक्स्ट सेशन से हम स्कूल स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग जो है
है, बिजनेस का अलग अलग तरीका ढूंढा है, आपने इस पूरी को क्यों चुना? मैं कमाना नहीं चाहता, अगर मैं कमाना चाहता तो मेरा पास बहुत सारे बिजनेस अवेलेबल था और मेरा बिजनेस साइड में चल भी रहा। मैं स्कूल, ये मेरा मीन्स एक पैसन है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे मेरे माता पिता ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो मैं चाहता हूँ कि वही चीज़ मैं अगले को भी बताऊँ। उनके नाम की रोशन करें, उन सब जो है उनकी कामना करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।